और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी उस दिन हम इन तीन काले कानूनों को रद्द करके खत्म करके वेस्ट पेपर बास्केट में फेंक दें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोविड के समय इन तीन कानूनों को लागू करने की क्या जरूरत थी? क्या जल्दी थी? ठीक है, आपको कानून लागू करने थे तो लोकसभा राज्यसभा में बातचीत करते। प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसानों के लिए कानून बनाए जा रहे हैं, तो अगर किसानों के लिए कानून बनाए जा रहे हैं तो फिर आपने लोकसभा में राज्यसभा में खुल के बातचीत क्यों नहीं की? और अगर किसान इस कानून से खुश है तो पूरे देश में किसान आंदोलन क्यों कर रहा है? पंजाब का हर किसान आंदोलन क्यों कर रहा है? 6 साल से नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं। नोटबंदी की, कहा काला धन मिट जाएगा। जीएसटी लागू की, छोटे व्यापारियों को, दुकानदारों को, गरीब लोगों को खत्म किया। कोविड आया, हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया, उनका टैक्स माफ किया, मगर गरीबों को, किसानों को कोई भी मदद नहीं दी, एक रुपया तक नहीं दिया। देखिए भाइयों और बहनों, किसानों, मामला पैसे का है, मामला पैसे का है और आपकी जमीन का है। और मैं इसको 7-8 साल से देख रहा हूं। पहली बार मैंने इसे भट्टा परसौल में देखा। जब भी ये चाहते थे हिंदुस्तान के किसानों की जमीन 2 मिनट में छीन लेते थे। हमने विरोध किया। लैंड एक्विजिशन बिल जो था, कानून था, काला कानून था, उसको हमने बदला और आपकी किसानों की जमीन की रक्षा की। मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा आपको रेट दिलवाया। नरेंद्र मोदी जी आए, पहला काम उन्होंने किया, हमारे नए कानून को उन्होंने रद्द किया। हम पार्लियामेंट में लड़े, याद रखिए, उनके साथ अकाली दल के नेता बैठे थे। हम पार्लियामेंट में लड़े, हमने कहा नहीं, किसान की जमीन हम आपको नहीं देने वाले हैं। पार्लियामेंट में वो कानून को बदल नहीं पाए। कांग्रेस पार्टी खड़ी रही, उन्होंने अपने सब चीफ मिनिस्टर से कहा पार्लियामेंट में नहीं बदला जा रहा है, स्टेट्स में बदल दो। लक्ष्य समझिए, कठिन बात नहीं है। आपकी जमीन और आपका पैसा हिंदुस्तान के 2-3 सबसे बड़े अरबपति चाहते हैं। पुराने जमाने में कठपुतली का शो होता था ना, याद है आपको? कठपुतली का शो होता था ना, याद है? कठपुतली चलती थी, कठपुतली चलती थी, पीछे से कोई चलाता था उसको, धागे बंधे होते थे ना, पीछे से कोई चलाता था। रावत जी, आपने कहा मोदी सरकार है, भाई और बहनों, ये मोदी सरकार नहीं है, ये अदानी और अंबानी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी को अंबानी और अदानी चलाते हैं। नरेंद्र मोदी जी को अंबानी और अदानी जीवन देते हैं। कैसे? मीडिया में नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखा के 24 घंटे। सीधा सा रिश्ता है,
नरेंद्र मोदी जी इनके लिए जमीन साफ करते हैं और ये पूरा का पूरा समर्थन नरेंद्र मोदी जी को मीडिया में देते हैं। पंजाब के किसानों ने, हरियाणा के किसानों ने हिंदुस्तान को फूड सिक्योरिटी दी, पंजाब ने, हरियाणा ने। हिंदुस्तान की सरकार ने ढांचा बनाया था, ढांचे में तीन खंभे थे, एमएसपी, फूड प्रोक्योरमेंट और मंडी। इन तीन चीजों से हिंदुस्तान को गारंटी करके अनाज मिलता है। कौन देता है? पंजाब और हरियाणा। नरेंद्र मोदी जी इस सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक यह सिस्टम रहेगा तब तक उनके मित्र अंबानी अदानी जैसे लोग हिंदुस्तान के किसानों का पैसा नहीं ले पाएंगे, हिंदुस्तान के किसानों की जमीन नहीं छीन पाएंगे। लक्ष्य इनका एमएसपी को खत्म करने का है, लक्ष्य इनका फूड प्रोक्योरमेंट के सिस्टम को खत्म करने का है। ये जानते हैं, जैसे ही एमएसपी खत्म हुई, जैसे ही फूड प्रोक्योरमेंट का सिस्टम खत्म हुआ, वैसे ही पंजाब का, हरियाणा का किसान, हिंदुस्तान का किसान खत्म हो जाएगा। और मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के किसान को कभी खत्म नहीं होने देगी। हम आपके साथ खड़े हैं और हम एक इंच पीछे नहीं हटने वाले। देखिए, हिंदुस्तान गुलाम हुआ था, हिंदुस्तान गुलाम हुआ था, कैसे हुआ था? अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के किसान को खत्म किया था, हिंदुस्तान के किसान की रीढ़ की हड्डी को अंग्रेजों ने तोड़ा था, इसीलिए अंग्रेज हिंदुस्तान में राज कर पाए। वही लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी का है, किसान की रीढ़ की हड्डी तोड़ो और अंबानी और अदानी जैसे लोगों के हवाले पूरा का पूरा माल कर दो। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इस सिस्टम में कमी नहीं है, जरूर सिस्टम में कमी है और जरूर सिस्टम को रिफॉर्म करने की जरूरत है, सिस्टम को बदलने की जरूरत है, मगर सिस्टम को नष्ट करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपने सिस्टम को नष्ट कर दिया तो किसान के लिए, किसान की रक्षा के लिए कुछ नहीं बचेगा और किसान को सीधा अंबानी और अदानी से बात करनी पड़ेगी और उस बातचीत में किसान मारा जाएगा। सीधी सी बात है। मैं स्टेज से पंजाब के किसानों को पूरा का पूरा समर्थन देना चाहता हूं। आप आंदोलन कर रहे हो, बिल्कुल सही कर रहे हो, और मैं और कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़े होंगे और मिलकर इन कानूनों को बदलने का काम करेंगे। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी उस दिन हम इन तीन काले कानूनों को रद्द करके, खत्म करके वेस्ट पेपर बास्केट में फेंक देंगे। आप सब यहां आए, दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और फिर से दोहराना चाहता हूं, पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान, पूरे हिंदुस्तान का किसान एक इंच पीछे नहीं हटेगा। हम नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ, इन कानूनों के खिलाफ लड़ेंगे और इन लोगों को हरा के दिखाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।